अगली खबर सीएम सिटी करनाल से है, जहां करनाल एनडीआरआई में 38 मवेशी की अज्ञात बीमारी की चपेट में आने से मौत हो गई। बीमारी की चपेट में आए पशुओं को डॉक्टर टीम उपचार देने में लगी हुई है। मवेशियों की मौत कैसे हुई और किस बीमारी की यह चपेट में आए हैं, इसकी छानबीन के लिए टीम जुटी हुई है। किसी को अंदर आने की अनुमति नहीं है, स्टाफ सहित किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। स्वस्थ पशुओं की भी जांच की जा रही है। करीब 2000 मवेशी जो इस अज्ञात बीमारी की चपेट में आने से बच गए हैं, उनकी भी जांच में टीम लगी हुई है। मवेशियों के इलाज के लिए आरसीएल दिल्ली से टीम पहुंची है। टीम यह पता लगाने की भी कोशिश कर रही है कि कहीं संक्रमण उन तक तो नहीं पहुंचा है। हमारे कैटल यार्ड के प्रबंधक ने हमें 11 तारीख को बताया कि कुछ पशु बीमार पड़ रहे हैं और फिर अगले दिन कुछ पशुओं की मौत हो गई। जैसे आपने खुद बताया कि 11 तारीख से लेकर और आज की तारीख तक लगभग 38 पशुओं की मृत्यु हो चुकी है। और मैं इसमें ये बताना चाहूँगा कि सिर्फ भैंसों की मृत्यु हुई है। ऐसा लगता है जो डिजीज़ पशुओं में फैली हुई है वो सिर्फ भैंसों को ही अफेक्ट कर रही है, गायों को और जो हमारे संस्थान में बकरियाँ हैं या और तरह के पशु हैं उनको नहीं अफेक्ट कर रही है। और हमारे यहाँ पे इस डिज़ीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम 2-3 एंगल से देख रहे हैं। एक तो टॉक्सिकोलॉजिकल एंगल है, जिसमें फीड में कोई टॉक्सिक तो नहीं है, जैसे पशु जैसे फीड में पेस्टिसाइड या माइकोटॉक्सिन आ जाता है उसको एंगल से देख रहे हैं। दूसरा हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जाँच कर रहे हैं। इस जांच को सहयोग करने के लिए हमारे पास इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक सेंटर है, जिसका नाम है सेंटर फॉर एनिमल डिजीज रिसर्च एंड डायग्नोसिस। वहाँ से एक टीम आई हुई है, उनके डायरेक्टर हैं डॉक्टर वीके गुप्ता कैडरेट के, वो आए हुए हैं और साथ में माइक्रोबायोलॉजिस्ट पैथोलॉजिस्ट और वायरोलॉजिस्ट इस तरह के लोग आए हुए हैं। और प्रारंभिक जानकारी से ये ऐसा संकेत मिल रहे हैं कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसके कारण पशुओं की मौत हो रही है। हम जांच करा रहे हैं, पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये सेम फीड हम सारे एनिमल को देते हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया कि सिर्फ भैंसें ही अफेक्ट हुई हैं और गाय और बाकी एनिमल नहीं अफेक्ट हुए हैं। तो मेरा अपना विचार है कि शायद फीड का एंगल नहीं है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और जैसे कि बैक्टीरिया होता क्या है कि बैक्टीरिया जो पशु जिनमें इम्यूनिटी डाउन हो जाती है उसमें वो ज़्यादा आ जाते हैं, उनकी मात्रा बढ़ जाती है और पशुओं को अफेक्ट करना शुरू करते हैं। तो सर बड़े सर इस तरफ इस टाइम तो हम ये कर रहे हैं, हमारे जो इसको हम लाइव स्टॉक रिसर्च सेंटर बोलते हैं, लाइव स्टॉक रिसर्च सेंटर में लगभग 2000 एनिमल हैं जिसमें 550 बफैलो हैं। तो अभी तो हमारा सारा ध्यान इस तरफ केंद्र है कि उन 550 भैंसों को किसी तरह से बचाया जाए। और अभी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी भी 10 एनिमल जो हैं वो बीमार की स्थिति में हैं और जिनको हमने एनडीआरआई ने अलग से एक शेड अलग से क्रिएट किया है टेम्परेरी और वहाँ पे शिफ्ट कर दिया है ताकि बाकी पशुओं को ये बीमारी ना फैल रही। तो हम इसी तरफ केंद्रित है कि हम बाकी के एनिमल्स को प्रोटेक्ट करें। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।